नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, वॉर में ऋतिक का जबरदस्त एक्शन देखने के बाद हर कोई उनका दीवाना हो गया और अब ऋतिक के तमाम फैंस की ये तमन्ना है कि अब ऋतिक ज्यादा से ज्यादा एक्शन फिल्म्स करे, क्योंकि दोस्तों एक्शन एक ऐसा जॉनर है जिसके ऋतिक रोशन मास्टर है और इस जॉनर में ऋतिक के टक्कर का कोई नहीं है। और दोस्तों, वॉर की धुआंधार सफलता के बाद ऋतिक रोशन ने एक्शन फिल्मों को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। दरअसल दोस्तों, ऋतिक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई लव द न्यूएंसेस एस्थेटिक्स एंड सटलिटी ऑफ एक्शन पैक्ड फिल्म्स। फॉर दिस काइंड ऑफ फिल्म्स आई ऑल्सो लव इट वेरी मच बिकॉज इट रिक्वायर्स बोथ स्टाइल एंड कॉम्पोजिशन। यानी दोस्तों, अब जब खुद ऋतिक रोशन एक्शन फिल्मों के मुरीद हो गए हैं, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि अब वो अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी एक्शन फिल्म्स को ही देंगे। और अब ऐसे में इन तीन फिल्मों को लेकर ऋतिक जरूर आगे प्लानिंग शुरू करेंगे। तो आखिर कौन सी है वो तीन फिल्में, आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, क्रिश 4। दोस्तों, क्रिश 4 ऋतिक रोशन की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है और एक्शन से भरपूर इस फिल्म में आपको ऋतिक का हाई ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलेगा। और अपनी सुपर पावर से दुनिया को बचाता हमारा सुपर हीरो क्रिश इस बार हमें एक्शन का 4 गुना डोज देता नजर आएगा। और अब वॉर के बाद ऋतिक की अगली फिल्म क्रिश 4 होगी, जिसको लेकर इन दिनों तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। नंबर 2, वॉर 2। दोस्तों, वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बताया था कि वॉर की कामयाबी के बाद ही वो वॉर 2 के बारे में सोचेंगे। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि वॉर बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है और अब ऐसे में ये भी कंफर्म हो चुका है कि वॉर का सीक्वल डेफिनेटली बनने वाला है, जिसमें हमें एक बार फिर से ऋतिक का फाड़ू एक्शन देखने को मिलेगा। एंड नंबर 3, बैंग बैंग 2। दोस्तों, ऋतिक और कैटरीना कैफ स्टार फिल्म बैंग बैंग को देखने के बाद से ही लगातार लोगों के बीच इस फिल्म के सीक्वल की बातें हो रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, वॉर के प्रमोशन के दौरान जब डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद से बैंग बैंग 2 को लेकर सवाल किया गया था, तो यहाँ सिद्धार्थ का कहना था, ये बात आपको ऋतिक रोशन से पूछनी चाहिए, मैं तो बैंग बैंग 2 के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उस फिल्म को शूट करते समय हमने कई सारी खूबसूरत यादें बनाई थी, मैं बैंग बैंग 2 के लिए बेकरार हूँ। हालांकि ऋतिक का जवाब भी जानना जरूरी है। यानी दोस्तों, सिद्धार्थ ने इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं ये हिंट दे दिया था कि वॉर के बाद बैंग बैंग 2 की भी तैयारियां अब जल्द शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, अब ऋतिक रोशन के लिए इनसे बड़ी धमाकेदार एक्शन फिल्म्स और कोई हो ही नहीं सकती। तो ऋतिक रोशन के तमाम फैंस, आप बताइए कि आप ऋतिक की किस एक्शन फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।